कांचन और विनाश में धमासान लड़ाई हुई है जहां पर स्पॉन्सरशिप टास्क हुआ। हालांकि स्पॉन्सरशिप टास्क के बाद जो है सब लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद जो है लड़ाई नहीं होती है, पर यहाँ पर आकांक्षा ने अविनाश के वही नेचर के बारे में बोला जो कि आप हम सब लोग देख रहे हैं कि अविनाश जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सडनली इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं जो कि एक्चुअली में उस वक्त वहां पर वैलिड नहीं होता है, वही आकांक्षा ने बोला। और आकांक्षा जो है थोड़ी सी बात उसके बाद करने जाती है स्पॉन्सरशिप टास्क के बाद, जहां पर अविनाश बोलता है तो क्यों आई है मुझसे बात करने, मैं तो उससे बात करना चाहता ही नहीं हूँ, नॉमिनेशन के बारे में तुमने जो किया उसके बारे में तो मुझे उसके बाद तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो आकांक्षा बोली कि भाई मैं इसी चीज के बारे में बोल रही थी जो चीज तुम कर रहे हो, और तो बोलता है मुझे करनी ही नहीं है बात। भाई तूने अविनाश तूने जिया से बात कर ली, तूने अभिषेक से बात कर ली, तुझे आकांक्षा से क्या प्रॉब्लम है पहले वो प्रॉब्लम तो बता, ठीक है। वैसे तो मतलब कि बोले जा रहे मुझे तुझसे बात नहीं करनी, ठीक है वो भी बात नहीं कर रही है, उसने तो ऑलरेडी बोल दी कि तेरे से बात कर ही नहीं सकते बिकॉज तेरी यही प्रॉब्लम है और मैंने प्रॉब्लम के बारे में तुझे एडवाइस भी दी पर तू उस चीज को सेट नहीं कर सकता, तो ठीक है बाहर में जा मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी है, अगर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी तो मैं ठीक रहूंगी। जहां पर ये बंदा एंग्री मैन बन के ये बात बोल रहा है कि मैं ठीक हूं तुम सब लोग गलत हो और मेरा तो गुस्सा ऐसा ही है, ये मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, ठीक है भाई तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, पर तुम इतने ज्यादा एंग्री क्यों हो रहे हो, अगर वही बात है तो फिर जिया और अभिषेक से बात क्यों की तुमने आराम से, वहां पर तुम कुछ और बात बोल रहे हो कि भाई मैं इतने ज्यादा लाउड बात नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, सब लोगों का माइंड अलग रहता है, सब लोग गुस्से में बात करते पर मैं नहीं करता, मैं आराम से बात करता हूं। यहां पर तू आकांक्षा के ऊपर पूरा भड़ास निकाल रहा है, जहां पर तेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों के साथ पंगा अभिषेक इसलिए लेता है क्योंकि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, इसलिए लड़कों के साथ पंगा लेता कि पिटना जाए, अभी तू भी यही बात कर रहा है, तू ही यही सब चीजें कर रहा है। एक्चुअली में जो बातें बेबी का फलक बोल रही है तो मुझे तो लगता है कि अविनाश के ऊपर फिट हो रही है, जो अभिषेक के बारे बोला वो अविनाश के ऊपर फिट हो रही है। आपका क्या कहना है बताइए जरूर। इसी के साथ मैंने 3000 से नमस्कार।